सोमवार को दलित संगठनों के बुलाए भारत बंद के दौरान कई राज्यों में हिंसा, 10 की मौत, सैकड़ों घायल। बंद के दौरान हिंसा झड़प में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 की मौत, यूपी और राजस्थान में एक एक मौत। भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में कई जगह पर भारी हिंसा, मुरैना, भिंड, सागर और ग्वालियर में बिगड़े हालात। तनाव को देखते हुए मुरैना, भिंड, सागर और ग्वालियर में इंटरनेट सेवा बंद, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मेरठ में आगजनी और हिंसा के बाद प्रशासन सतर्क, आज मेरठ और गाजियाबाद में सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारत बंद के दौरान राजस्थान में भी जगह जगह हिंसा, अलवर में फायरिंग में एक शख्स की मौत। अलवर में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। जोधपुर में बंद के दौरान दलित संगठनों का उत्पात, एक पुलिसकर्मी को मार मार कर किया अधमरा। हिंसक प्रदर्शन के बाद राजस्थान के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लगाई गई। भारत बंद के दौरान यूपी में भी कई जगहों पर हिंसक आंदोलन, मेरठ में दर्जनों गाड़ियों को किया आग के हवाले। मेरठ में बंद के दौरान दलित संगठनों का उत्पात, दिल्ली देहरादून हाईवे पर बसों में लगाई आग। मेरठ के शोभापुर में प्रदर्शनकारियों ने फूंकी पुलिस चौकी, मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को पीटा। आजमगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों का उत्पात, रोडवेज की बसों को फूंका। बंद के दौरान लाठी लेकर सड़कों पर निकले थे प्रदर्शनकारी, सरकारी भवन पर किया पथराव। मुजफ्फरनगर में भी बंद के दौरान हिंसा, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंका। मध्य प्रदेश में भारत बंद के नाम पर प्रदर्शनकारियों का कई शहरों में उत्पात, ग्वालियर में स्कूल बस समेत 6 वाहनों को फूंका। भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों का शहर में उत्पात, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। बंद के दौरान खुलेआम रिवॉल्वर लेकर दुकानदारों को धमकाता दिखा प्रदर्शनकारी, जबरन बंद कराई दुकान। मुरैना में बंद के नाम पर गुंडागर्दी, छत पर राइफल लेकर लोगों को धमकाता दिखा प्रदर्शनकारी। मुरैना में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर मचाया कोहराम, पटरियां उखाड़ दी। बिहार के हाजीपुर में भारत बंद के चलते मासूम की गई जान, एम्बुलेंस को रोके जाने पर हुई मौत। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रदर्शनकारियों के आगे गिड़गिड़ाते रहे परिजन, आंदोलनकारियों का नहीं पसीजा दिल। यूपी के बिजनौर में भी बंद ने ली बीमार शख्स की जान, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर इलाज के अभाव में तोड़ा दम। जाम में एम्बुलेंस फंसने पर बुजुर्ग पिता को कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ बेटा, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। गाजियाबाद में बंद के दौरान एम्स के डॉक्टर और नर्सों को ले जा रही बस पर हमला, बाल बाल बची जान। बिहार में भी बंद के दौरान कई शहरों में बवाल, मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक ऑटो पर लाठी डंडों से किया हमला, 3 साल का मासूम घायल। बिहार के दरभंगा में बंद के चलते मुसाफिरों पर मुसीबत, प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा में रोकी ट्रेन। मधुबनी में भीम आर्मी के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम, जमकर की नारेबाजी। मोतिहारी में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों का उत्पात, राहगीर और दुकानदारों से की मारपीट। झारखंड के लातेहार में भी दिखा बंद का असर, प्रदर्शनकारियों ने जबरन बंद कराई दुकानें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भीमसेरा के लोगों ने जबरन बंद कराई दुकानें, हिंसक झड़प में 4 दुकानदार घायल, एक की हालत गंभीर। छिंदवाड़ा में बंद के दौरान भीमसेना के लोगों की दुकानदारों से झड़प, 6 लोग घायल। राजस्थान के पाली में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों के दुकानदारों से झड़प, 5 लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में बंद समर्थकों ने ट्रेन पर किया पथराव, 2 घंटे तक ट्रैक पर लगाया जाम। उत्तराखंड के रुड़की में बंद के दौरान फायरिंग में मासूम को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हापुड़ में भी प्रदर्शनकारियों का उत्पात, तोड़फोड़ के बाद वाहनों में लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों पर किया हमला, एएसपी, डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। भारत बंद के दौरान ग्रेटर नोएडा में भीम आर्मी के लोगों ने बसों में की तोड़फोड़, कई मुसाफिर घायल। गाजियाबाद के विजयनगर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बूथ पर की पत्थरबाजी, उपद्रवियों को काबू में करने की पुलिस ने की हवाई फायरिंग। गाजियाबाद के लोनी में रेलवे फाटक पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा, आज तक की टीम पर भी हमले की कोशिश। SC ST एक्ट पर केंद्र ने दायर की पुनर्विचार याचिका, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से करेंगे अपील। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कुछ लोग अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सम्मान देने का काम हम कर रहे हैं। SC ST एक्ट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा केंद्र सरकार ने मामले को हल्के में लिया। मैं केंद्रीय सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उनकी वजह से ये आज जो कानून है ये कमजोर हुआ।
बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा एससी एसटी पर पुनर्विचार याचिका में देरी हुई, केंद्र के रवैये की वजह से दलितों में गुस्सा। आज कर्नाटक में दिग्गजों का प्रचार, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी येदियुरप्पा के गढ़ में करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष शिमोगा में जनता से करेंगे सीधा संवाद, शाम को दावणगेरे में करेंगे चुनावी सभा। कर्नाटक दौरे पर राहुल चित्रदुर्ग और टुमकुर समेत कई जगह पर करेंगे रैली, बेंगलोर में बड़ी जनसभा के साथ यात्रा का समापन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज कर्नाटक में करेंगे चुनावी सभाएं, हवेली में ओबीसी रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह कर्नाटक के बागलकोट जिले का भी करेंगे दौरा, बादामी में शिवायोगी मंदिर के करेंगे दर्शन। विक्रम अजीठिया, गडकरी और कपिल सिब्बल के बाद केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मांगी माफी, जेटली ने स्वीकार की माफी। केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, आशुतोष और राघव चड्ढा ने भी जेटली से मांगी माफी, जेटली ने दर्ज कराया था आपराधिक मानहानि का केस। केजरीवाल ने जेटली से लिखित में मांगी माफी, कहा आपके कार्यकाल में डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर जो मैंने आरोप लगाए वो गलत थे, मेरे पास सबूत नहीं। केजरीवाल के माफीनामे को आप नेता कुमार विश्वास ने कार्यकर्ताओं के साथ बताया धोखा, कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये सुविधाएं रखने के लिए कि आपको चार दिन जेल ना जाना पड़े या आपके चुनाव लड़ने में योग्यता ना हो जाए और आपकी कोठियां बनी रहें, आपके पद बने रहें, इसके लिए आप इस बेशर्मी ओढ़ने, मुझे तो पता नहीं है कि डीडीसीए में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आज कावेरी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में एआईएडीएमके की भूख हड़ताल, सीएम डिप्टी सीएम को छोड़ सभी मंत्री भी होंगे शामिल। तमिलनाडु के 32 जिलों में होगा धरना प्रदर्शन, राज्य के कारोबारियों ने भी कावेरी को लेकर बुलाया बंद। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, बिना देरी कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग। अपनी पार्टी बनाने के बाद आज कमल हासन फिर से यात्रा पर निकलेंगे, त्रिची में जनसभा को करेंगे संबोधित। चेन्नई से ट्रेन से त्रिची के लिए रवाना होंगे कमल हासन, मदुरई और इरोड के बाद उनकी ये तीसरी राजनीतिक यात्रा। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने आज भी बुलाया बंद, सभी स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य का बयान, स्थानीय लड़कों को आतंकवादी बनने के लिए सीमा पार से उकसाया जा रहा है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीएसई चीफ, सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब। आसनसोल में शांति बहाली के लिए लोगों ने निकाला मार्च, शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। ममता के मंत्री मलय घटक भी शांति मार्च में शामिल, मेयर, डिप्टी मेयर और रामकृष्ण मिशन के पुजारी ने भी लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक निजी अस्पताल में आग से अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के अकोला में मानवता हुई शर्मसार, 5 साल की मासूम से दादा ने किया दुष्कर्म, एक मां ने 3 महीने की बच्ची को तालाब में फेंका, आरोपी महिला गिरफ्तार। ओडिशा के क्योंझर में एक गांव में भालू का आतंक, 3 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा, 6 बुरी तरह जख्मी। यूपी के इटावा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, एनकाउंटर में एसओ को भी लगी गोली। यूपी के संभल में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 15,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। मुंबई के नजदीक कल्याण में मेले में धक्का लगने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, एक समारोह में कड़ी नहीं परोसने पर युवक की बेरहमी से हत्या। महाराष्ट्र के अमरावती में मरीज के परिजनों ने शराबी डॉक्टर की जमकर की पिटाई, वायरल हुआ वीडियो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस की ट्रक से भिड़ंत, हादसे में 24 जवान घायल। यूपी के अमरोहा में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव से कर्मचारी की मौत, 2 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, भारी मात्रा में चोरी के गहने भी बरामद। पंजाब के मुक्तसर में एक शख्स का ससुराल में खूनी खेल, पत्नी और सास को मौत के घाट उतारा, खुद को मारी गोली। मुजफ्फरनगर के खादर में जंगलों में लगी भीषण आग, कई जंगली जानवरों के मारे जाने की आशंका। यूपी के हापुड़ में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाने की भिवंडी में यूनियन बैंक की शाखा में आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने फौरन पाया काबू। मध्य प्रदेश के रायसेन में महिलाओं ने शराब ठेके में लगाई आग, बाद में हाईवे पर लगाया जाम। अपने दोस्तों के साथ लुनावला घूमने गए 24 साल के युवक की खाई में गिरकर मौत, मृतक नचिकेत इंगोली का रहने वाला। कोलकाता में टेबल टेनिस खिलाड़ी स्वामीजीत घोष पर एक लड़की ने लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सोमवार को हैदराबाद में बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत।
यूपी के गोंडा में 120 घंटे में बनकर तैयार हुआ 32,000 शौचालय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। पुंछ आइडल बनने के लिए युवा कलाकारों में उत्साह, जिले के अलग अलग इलाकों से युवा सिंगर्स ने लिया हिस्सा। फरुखाबाद में सीएम योगी से प्रभावित होकर एक शख्स 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकला, प्रदेश के धार्मिक स्थलों से होकर गोरखपुर में समाप्त हुई यात्रा। कोयंबटूर में आशियाना उजड़ने के बाद सड़क पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। चौथे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका जीत से 7 विकेट दूर, 612 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन पर 3 विकेट खोए। दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 344 के स्कोर पर घोषित की थी दूसरी पारी, कप्तान डी प्लेसी ने खेली 120 रन की पारी। दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 82 रन से हराया, 206 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 123 रन पर सिमट गई विंडीज की। 97 रन पर नाबाद रहे पाकिस्तान के बाबर आजम, मैन ऑफ द मैच का मिला अवार्ड, हुसैन तलत ने खेली 63 रन की पारी। 3 मैचों की टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने ली 2-0 की अपराजय बढ़त, आज कराची में खेला जाएगा तीसरा मैच। आईपीएल में इंग्लैंड के टॉम करन लेंगे चोटिल तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की जगह, कोलकाता नाइट राइडर्स ने करन को किया साइन। स्टीव स्मिथ की जगह राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन, बॉल टेम्परिंग की वजह से आईपीएल से बाहर हैं स्मिथ। पिता को राष्ट्रमंडल खेल गांव में एंट्री न मिलने से साइना नेहवाल नाराज, ट्विटर पर निकाला गुस्सा। टीम ऑफिशियल के रूप में अपने खर्च पर पिता को लेकर गई थी साइना, लेकिन बाद में बगैर किसी जानकारी के कट गया नाम। पूर्व शूटर अंजलि भागवत और पूर्व हॉकी स्टार वीरेन रस्कीना ने साइना नेहवाल का किया समर्थन, कहा साइना को अपने मन मुताबिक सपोर्ट स्टाफ रखने का हक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।